हाँ तो भाई लोग कैसे हो। आज आपका भाई खेल रहा है GTA 5 और इसमें हम चुराएंगे प्राइवेट जेट। तो देखो आपका भाई क्या करता है। चलो भाई देखो अपने क्या है। तो भाई लोग हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं बट हमको सीधे रास्ते से तो जाने को मिलेगा नहीं, तो हम ये अपना टेढ़ा रास्ता चुनेंगे जो कि ये पीछे से है। बट देखें यहाँ पे जैसे ही अंदर जाएंगे तो सारी की सारी कायनात हमारे पीछे पड़ने वाली है। कहने का मतलब सारी पुलिसें हमारे पीछे आने वाली है। बट आप टेंशन मत लो, आपका भाई बैठा है और हमने जो बोला है वो करके दिखाएंगे। तो गाइस हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं बट गाड़ी अंदर नहीं जाएगी इसके, तो हमको कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। देखें क्या होता है। गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है और यहाँ पे एक रास्ता है बट यहाँ से गाड़ी अंदर नहीं जाएगी तो हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। देखें अब क्या होता है, पैदल ही जाएंगे। गाइस अंदर आते ही हमारे पीछे हमारे ससुर जी पीछे पड़ चुके हैं। हमको सबसे पहले ये ट्रक उठाना पड़ेगा नहीं तो मुसीबत पड़ने वाली है। तो भाई साहब ट्रक तो चलो निकल गया भाई, जल्दी करना पड़ेगा। ओके आप तो गाइस हमारा ट्रक स्टार्ट हो चुका है और प्राइवेट जेट में जाने से पहले हमको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा नहीं तो ये उसको भी डैमेज कर देंगे, फिर हम उसको उड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए हमको थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा, थोड़ा इनको घुमाना पड़ेगा। देखें अच्छा हमको सिखा रहा है। गाइस ये देखो साइड में एक बड़ा वाला प्लेन लैंड कर रहा है। अभी हम चलते हैं उसके पास और देखते हैं कि क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ, कभी मैं ऐसे गया नहीं हूँ प्लेन के सामने, वो जाके देखते हैं कि क्या होता है। ओहो ये तो लैंड कर चुका है यार। गाइस ओ टक्कर होने वाली है, टक्कर होने वाली है और ये टक्कर हो चुकी है हमारी प्लेन के साथ। ये हमको घसीटे हुए लेके जा रहा है पीछे। ओहो प्लीज भी पीछे लगी आगे स्वाद। हाँ भाई बहुत खराब स्वाद आया, पर प्लेन भी वहीं रुक चुका है। अब हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी दूसरा प्लेन प्राइवेट जेट जो हमको चुराना है उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को बहुत डैमेज हो रहा है और मेरे को लगता नहीं कि हम पहुंच पाएंगे। तो हमको सबसे पहले गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, इस गाड़ी से पॉसिबल नहीं है, ये बहुत स्लो है। तो गाइस हमको ये गाड़ी मिल चुकी है और ये बहुत ही प्यारी ब्लैक कलर की गाड़ी हमको मिली है और मेरे को रियल में ही ये गाड़ी बहुत पसंद है बट मेरे को इसका नाम नहीं पता। जिस भी मेरे फ्रेंड को इसका नाम पता हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, ये गाड़ी मेरे को एक्चुअली में बहुत पसंद है। गाइस ये वाला प्लेन अभी तक यहीं खड़ा है और अभी तक ये कहीं नहीं गया। मेरे घर से इसने अपनी सवारियाँ उतार चुके हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है सर, ये तो मेरे को पूरा ही कर देंगे। मैं इसके राउंड राउंड घूमूँ क्या मैं बच जाऊँगा? नो नहीं 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 नहीं, ये गोलियाँ मारे जा रहे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से, भागना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। मेरे को दूसरा प्लेन लेना पड़ेगा नहीं तो मुश्किल बढ़ती जाएंगी और जो हमने मिशन बोला था वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। हम अपने प्राइवेट जेट के पास पहुँच चुके हैं बट अभी नहीं रुक सकता मैं, क्योंकि पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ी है, मेरे को थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। तो गाइस हम जेट के पास आ चुके हैं और मेरे को किसी भी हालत में ये जेट उठाना है और टेक ऑफ करवाना है। ओह नो ये भी मेरे को अभी करना था बट कोई बात नहीं, अब हम जल्दी से जल्दी इसमें बैठेंगे। तो गाइस क्या लगता है आपको, क्या हम इसको टेक ऑफ कर पाएंगे? क्योंकि आप देख रहे हो किस तरीके से ये हमको डैमेज दिए जा रहे हैं, बट कोई नहीं। गाइस क्या लगता है, क्या टेक ऑफ हो पाएगा? जिस हिसाब से ये चल रहा है मुझे तो नहीं लग रहा, बट हम फिर भी ट्राई करेंगे। इन्होंने हमको बहुत डैमेज दे दिया है बट फिर भी हमको ट्राई करना है, पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको टेक ऑफ कर पाएँ। तो गाइस हम रनवे पे पहुंचने वाले हैं, बस बहुत ही जल्दी हम रनवे पे होंगे बट मुझे नहीं लगता कि हम टेक ऑफ कर पाएंगे क्योंकि हमारे प्लेन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। अभी भी ये डैमेज दिए जा रहे हैं, सामने की तरफ से भी एक गाड़ी आ रही है और हमको बहुत ही जल्दी स्पीड बढ़ा के ऊपर जाना पड़ेगा। और ये उठा लिया, बच गए गाइस, बच गए, कसम से बच गए। बट अभी भी ये हमको डैमेज दिए जा रहे हैं। हमारे पीछे एक हेलीकॉप्टर है शायद,
वो हमको डैमेज दिए जा रहा है, हमको उससे बच के निकलना पड़ेगा। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि उससे हम बच जाएं, बट बहुत मुश्किल है गाइस। ओ नो गाइस, इन्होंने डैमेज कर चुका है। ओहो, हमारा इंजन डैमेज हो चुका है गाइस। गाइस दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमको या तो क्रेश लैंडिंग करनी पड़ेगी या तो पानी में लैंड करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ गाइस कि हमको पानी में उतरना ही ज़्यादा सेफ रहेगा, वहाँ पे हम बच भी जाएंगे। क्रैश लैंडिंग में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। दोनों के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, अब हम लैंड करने जा रहे हैं। गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कर देना। इसी टाइप के वीडियो मैं देता रहूँगा। अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप वीडियो का मज़ा लीजिए। और ये हम लैंड करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है पानी में। बिल्कुल लैंड में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, कैसा क्या होगा मेरे को नहीं पता। मैं स्लोली स्लोली नीचे जाऊँगा ताकि एकदम से वो ना हो और जो हो ज़मीन के पास हो। जैसे ज़मीन यहाँ पे पास में है तो मैं यहीं लैंड कराऊँगा धीरे धीरे पानी में, ताकि मैं बच जाऊँ। तो गाइस बिल्कुल टच होने जा रहा है, होने जा रहा है, और ये हमने टच कर दिया। देखो कितना ही सेफ मैंने अपने आप को ज़मीन पे उतारा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना गाइस।